खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज कॉफी हाउस में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा की महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक को बताया निर्दोष। जी, आज ये सामाजिक संगठनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक महिला थाना प्रभारी थे प्रियंका पाठक, और 23 अप्रैल की एक घटना है जिसमें एक महिला श्रीमती दुर्गा जायसवाल जी के द्वारा उन पर ये आरोप लगाया गया था कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई है और इसकी वजह से उनका गर्भपात हुआ है। बाद में हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि MLC रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कोई भी ऐसी वारदात वहाँ पे नहीं हुई थी। CCTV फुटेज की भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई मौखिक तरीके से कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसके कारण ऐसा गर्भपात हुआ है। क्योंकि समाज में आजकल बिना किसी आधार के और हमारे जो सोशल मीडिया है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी ठोस सबूत नहीं होता और हम किसी पे भी लांछन लगा देते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक कोई अधिकारी यदि काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसी कुछ घटना श्रीमती प्रियंका पाठक जी के साथ हुई। पुलिस द्वारा विभागीय जांच में कोई भी ऐसी घटना नहीं पाई गई जिसके कारण वो दोष सिद्ध होती हैं, फिर भी उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। जहाँ तक श्रीमती प्रियंका पाठक का ही सवाल नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही लगन के साथ समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणा स्रोत बन के काम करते रहते हैं, और पुलिस का डर है इसीलिए आज हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। चोरों को डर है, यदि हमें कोई समस्या होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कई ऐसे प्रयास भी कर रही है, पुलिस मित्र जैसे कार्यक्रम की वजह से, जिनके कारण जो समाज में पुलिस की उत्तम छवि बनी रहे और जो पुलिस और समाज के लोगों के बीच दूरियां हैं या मन मुटाव हैं या गलत भ्रांतियां हैं वो दूर रह सके। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस को लांछन लगाया जा रहा है तो लोग सामान्य जनता यही सोचती है कि पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो सामान्य जनता की क्या सेवा कर पाएगी। तो हम सबका यही अनुरोध है, चूंकि रिपोर्ट उनकी क्लियर है तो उनको लाइन अटैच से हटाया जाए और उन्हें सामाजिक संगठन हम लोग एकत्रित हुए हैं, और सामाजिक संगठन को दायित्व बनता है कि कहीं पर भी अगर गलत कुछ हो रहा है तो हम लोग खड़े होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अगर इस ढंग से किसी के प्रेशर में आके एक्शन होने लगेंगे तो न केवल पुलिस, किसी भी जो सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या जो कर्मचारी हैं वो फ्री होके काम नहीं कर पाएंगे, वो प्रेशर में रह के काम करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट पे बैठा है वो अपनी ताकत पे बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे बैठा हुआ है तो उनके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। बस हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपका नाम बताइए। श्रीमती भारती शर्मा।